खुर्सीपार थाना पुलिस ने नए वर्ष की शुरुआत में बेमिसाल सफलता हासिल करते हुए 3 अलग अलग मामलों में आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी व लूट के मामले में 3 लाख का मशरूका बरामद करने में सफलता हासिल की है। खुर्सीपार थाना पुलिस ने साल की शुरुआत में बड़ी सफलता हासिल की है, जिसके तहत 3 अलग अलग मामलों में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी और लूटे गए माल सहित 3 लाख का मशरूका बरामद किया है, जिसमें पहला मामला ITI के पास केनाल रोड पर साल के पहले दिन रात्रि करीबन 2:30 बजे का है, जिसमें कटर दिखाकर डराकर पल्सर क्रमांक CG07AM3998 को लूट का अंजाम दिया गया। वहीं दूसरे मामले में खुर्सीपार जोन 3 में एक घर से सफेद रंग की एक्टिवा गाड़ी क्रमांक CG07BD8072 चोरी हो गई थी। इस मामले में भी आरोपी को वाहन के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं तीसरे मामले में साल के पहले दिन ही जोन 3 निवासी प्रार्थी जयप्रकाश द्वारा रिपोर्ट लिखाई गई थी कि बाबा बालकनाथ मंदिर में वीडियो शूटिंग के उपरांत उसका वीडियो कैमरा चोरी हो गया है, जिस पर तत्परता से कार्रवाई करते हुए खुर्सीपार थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर इन 3 मामलों के आरोपियों को धर दबोचा, जो कि एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। जोन 4 के प्रभारी CSP विश्वास चंद्राकर ने घटना की जानकारी देते हुए आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए मशरूके की बरामदी की जानकारी मीडिया को दी है। खुर्सीपार पुलिस ने आज 3 विशेष मामलों में अपराधियों को पकड़ा है। एक लूट हुई थी पल्सर की, जिसके आरोपी को ITI के पास पल्सर की लूट हुई थी, जिसके आरोपी को पकड़े हैं। इसके अलावा एक एक्टिवा चोरी हुई थी और एक वीडियो कैमरा जिसकी कीमत करीब 1,19,000 है, वो भी चोरी हुई थी। 3 मामले को खुर्सीपार पुलिस ने बड़ी सक्रियता के साथ पकड़ा है। खुर्सीपार पुलिस और उसकी टीम इस प्रकार एक विशेष काम किया है। इसके साथ छावनी पुलिस का भी योगदान रहेगा, छावनी थाना पुलिस का, और उन अपराधियों को पकड़ के आज रिमांड पे भेजा जा रहा है। दुर्ग जिला पुलिस के कई थाने अपनी तत्परता और कार्यप्रणाली से सुर्खियों में बने रहते हैं, परंतु खुर्सीपार थाना ने महज 2 दिनों में 3 मामलों का निपटारा कर अपना नाम दुर्ग पुलिस की फेरिस्ट में प्रथम स्थान पर लिखवा लिया है। ऐसी ही तत्परता सभी थानों एवं प्रभारियों सहित स्टाफ को दिखाने की जरूरत है, जिससे अपराधियों के मन में भय व्याप्त हो और अपराध की संख्या को कम किया जा सके। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।